हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया है। फ्रेंड्स, बस मैं नहा करके निकली हूँ और डायरेक्टली किचन में भी आई हूँ। दोपहर का लंच बनाना है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था 9 बजे से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरा 9 बजे का प्रीमियर होता है, तो उस दौरान और कोई कामों को जैसे करना संभव नहीं होता है। मेरा क्या, किसी का भी अगर टाइमिंग होता है तो मैं उस दौरान कुछ भी नहीं करती हूँ, सीधे मोबाइल लेकर के बैठ जाती हूँ। और अभी आई हूँ किचन में, देखना है कि दोपहर का लंच में मैं क्या बनाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं दाल चावल रख दी हूँ बनने के लिए और कुछ सब्जियाँ जो है मैंने कटसट करके ले लिए हैं। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने सब्जियों में क्या कटसट किया है। तो फिलहाल मैं बता दूं फ्रेंड्स कि मेरे घर आज कोई सब्जी नहीं है, फ्रिज बिल्कुल से खाली पड़ा हुआ है। और शाम को मैं सब्जी वगैरह लेने के लिए मार्केट में जाऊँगी। हमारे यहाँ थर्सडे शाम में मतलब सब्जी मंडी लगती है, तो मैं शाम को जाऊंगी तो कुछ लेकर के आऊंगी। फिलहाल मैं जो बना रही हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जरूर से, जैसे ही टाइम निकलता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर बिजी हो जाती हूँ तो इम्पॉसिबल हो जाता है चीज़ों को करना। तो खैर कोई बात नहीं, अगर टाइम निकलेगा उस दौरान मैं अगर फ्री रही तो ज़रूर से रेसिपी को शेयर करूंगी, और अदरवाइज अगर फ्री नहीं रही तो सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मैं बिजी हो जाती हूँ तो फिर लगने लगता है कि कहाँ से क्या करूँ। तो यही सब है फ्रेंड्स। और सर्वर धो करके मैंने नहा ली हूँ आज, तो थोड़ा सा ठंड भी मुझे महसूस हो रही है और मैं धूप में जा नहीं सकती हूँ। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि मैं सब्जी में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने पतीले में दाल रखा हुआ है, क्योंकि मैं पतीले में ही दाल बनाती हूँ और कुकर का दाल जो होता है मुझे बिल्कुल से पसंद नहीं आता है। इसमें थोड़ा सा गैस का खपत हमारा होता है पतीले में, बट कोई बात नहीं, मुझे टेस्ट के आगे गैस का बचाव नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पतीले में बनाऊंगी तभी बच्चे भी खाएंगे और मुझे भी अच्छा ही लगता है। दूसरे पतीले में मैंने चावल रखा है, जो चावल ऑलमोस्ट होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं कुकर में चावल भी नहीं बनाती हूँ, पतीले में ही बनाती हूँ, क्योंकि पतीले का टेस्ट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुकर का बना हुआ चावल मुझे बिल्कुल से पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं पतीले में ही यहाँ पे रखी हूँ। और बिल्कुल थोड़ा सा बनाना होता है, इस वजह से कुकर मुझे थोड़ा सा वो झंझट सा भी फील होता है। और फ्रेंड्स, इधर देखिए कि मैंने टमाटर को कट करके ले लिया है, करीबन 500 ग्राम तक का मैंने टमाटर यहाँ पे लिया हुआ है। और यहाँ देखिए कि बिल्कुल छोटे छोटे आलू को मैंने कट करके ले लिए हैं। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप सभी को कि मैं इस बार मार्केट गई थी तो बिल्कुल छोटे छोटे आलू मैं लेकर के आई हूँ, तो बस यही सब है। और छोटा आलू जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मैंने ऐसा फील किया हुआ है, तो बस इसीलिए मैं छोटा आलू मार्केट से लाई हूँ और इसको सब्जी में डालती हूँ, बनाती हूँ। थोड़ा सा छिलने उलने में प्रॉब्लम होता है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे खूब सारा प्याज मैंने कट किया हुआ है, और इधर देखिए चिल्ली मैंने कट करके ले लिया है। तो दोस्तों, यही सब था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि बिजी शेड्यूल जैसे है तो जैसे जैसे जब जब टाइम निकलता है मैं वीडियो कैप्चर करती जाती हूँ। और बाबू अभी मुंह फुला के पढ़ाई करने बैठा है, क्योंकि देखिए इसको मन रहता है कि जैसे कि वेकेशन चल रहे हैं, तो इरादा तो बाबू साहब का कुछ ठीक नहीं होता है पढ़ने का, इसको बिल्कुल मन नहीं होता है। देखिए, दिखाओ 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 चेहरा दिखाओ। लेकिन हॉलीडेज वर्क जो मिला है तो कम से कम इसको तो कम्प्लीट करना है टाइम पर, तभी तो फिर न्यू ईयर में घूमने के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, वर्क कम्प्लीट करोगे तब, इसलिए फटाफट से जो भी वर्क है सारा कंप्लीट करो उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो प्याज मैंने कट करके रखा हुआ था तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा बेसन डाल करके मैश कर लिया है, मींस मिला लिया है, नमक डाला है, हल्दी डाला है, और हल्दी बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है, और लाल मिर्च पाउडर भी डाला हुआ है इसमें, और सारी चीज़ों को मैश कर लिया है, चिली कट करके डाला है। और मैं तो इन प्याज की मैं पकौड़ियाँ बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि मेरे पास थोड़ा सा आज सब्जी की कमी हो रखी है, फ्रिज में बिल्कुल से सब्जी नहीं है, और ये सब भी हो रही है फ्रेंड्स। जैसा कि पता है कि थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिजी हो गया है, इस वजह से कामों को करते करते शाम हो जाती है और शाम को मैं कहीं निकलती नहीं हूँ। अभी जैसा कि विंटर जब से आए तब से शाम को निकलने के लिए सोचना पड़ता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए कि प्याज का पकौड़ा जो मैं निकालूंगी तो बिल्कुल से रेडी हो रखा है। तो चलिए फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं प्याज का जो पकोड़ा बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल से प्याज को जैसे कि फ्लैट फ्लैट मोड में करके ऐसे करके डाल रही हूँ, ताकि हमारा पकोड़ा जो है बिल्कुल से क्रिस्पी रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए, एक बेस तो मैं ऐसे निकालूंगी और दूसरा बेस भी मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि मैं किस टाइप से निकालती हूँ, क्योंकि जब एक ही चीज़ से अगर दो आइटम या दो टाइप से बन जाते हैं तो बच्चों को जो है पसंद आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए कि एक तो मैंने वैसे फ्लैट वाले निकाले और दूसरा तो मैं यहाँ पे बॉल्स बना करके निकालूंगी। तो पहले तो मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए और उसको थोड़ा सा फिर
बिल्कुल सेलो फ्राई टाइप से कर लूँगी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, बस इतना ही फ्राई करूँगी जितना में वो सेट हो जाए, जो गीला बेसन है हमारा सेट हो जाए, और उसके बाद मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही थी क्योंकि बेसन भी कम क्वांटिटी में ही था और प्याज भी हमारा आपने देखा ही कि कितना था, तो बॉल्स जैसे हमारा निकला। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि मैं एक प्लेट के हेल्प से उसको थोड़ा सा फ्लैट कर दूँगी दबा दबा करके। और ये भी जो है खाने में बहुत टेस्टी यम्मी लगता है, आप शाम के नाश्ते में बना सकते हो, मॉर्निंग के चाय में भी आप बना करके ले सकते हो, तो बहुत टेस्टी यम्मी बनता है। बट क्या ही बताऊँ, जैसे कि बिजी बिजी सा टाइम निकलता है, तो जो भी मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं शेयर करती जा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स एक बात और है कि सभी लोग वीडियोस तो बहुत मन से देख रहे हैं, इसके लिए तो तहे दिल से थैंक यू मैं बोल ही रही हूँ, बट वीडियोस को आप लोग लाइक करना भूल जाते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा ताकि लाइक्स भी जो है हमारा बढ़ता जाए। और इधर देखिए कि मैं आलू टमाटर का सब्ज़ी बनाऊँगी, तो यहाँ पर देखिए कि आलू भी ये मैंने बॉईल करके रख लिया था। उसके बाद यहाँ पे टमाटर को मैं बहुत अच्छे से भून ली थी और रेगुलर मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ बस उसको यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए कि ये सरसों मैं पीस करके रखती हूँ पाउडर बना करके, तो बस उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है और बॉयल आलू को भी डाल दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने ग्रेवी के अनुसार मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। तो यही था मेरा दोपहर लंच का मेन्यू फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने बोला कि सब्ज़ी जो है शॉर्ट आउट हो रखे थे मेरे फ्रिज में, तो चलिए फिर जो भी था तो हमारा जो दोपहर का लंच था तो वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे मैं खाना वाना खा करके बर्तन सारे मेरे धुल गए थे, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसको भी ठीक ठाक कर ही देती हूँ, क्योंकि जैसे कि अगले काम की ओर ध्यान बटेगा फिर जो है किचन मेरा ऐसे पड़ा रह जाएगा, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से सारे कामों को कर देती हूँ, क्योंकि क्लीन अगर हमारा किचन होता है ना तो कामों को करने में बहुत मन लगता है, इरिटेशन सा मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को पसंद होगा गंदगी अपने किचन में। हम सभी लेडीज भाई बहुत स्मार्ट है किचन को साफ़ करने में, कम से कम टाइम हो चाहे ज़्यादा टाइम हो जो भी हो, तो किचन का क्लीनिंग का ध्यान हम खूब रखते हैं। दोस्तों मेरा जो है दोपहर का लंच वंच हमारा जो है हो गया है, और इधर देखिए कि मैंने गैस स्टोव स्लैब काउंटर वगैरह सारी को मैंने क्लीन कर डाला है। और दोस्तों अब मैं थोड़ा देर बेड में जाऊंगी, थोड़ा देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। और जो लोग चैनल पर नए आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा फिर फ्रेंड्स मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों मैं दोपहर लंच वंच के बाद चली गई थी मार्केट, और मार्केट से ढेर सारा सब्जियाँ मैं लेकर के आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा सा इसका भी दर्शन करा दूँ, क्योंकि मैं दिन भर जो जो करती हूँ तो सारी चीज़ों को मैं शेयर करती जाती हूँ, तो सब्ज़ी लेकर के आई हूँ तो ये तो दिखाना बनता ही बनता है। और जैसे कि न्यू ईयर आ रहे हैं तो जब तक घर में सब्जी ना हो तो मज़ा नहीं आएगा खाना वाना बनाने का, तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सब्जी लेकर के आई हूँ। बहुत सारा लेकर के आई हूँ, थैला भर के सब्जी लाई हूँ, और चलिए फिर दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। कि मैं थैला लेकर के जो मार्केट से आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि मैं रखी हुई हूँ, अभी निकाली भी नहीं हूँ, तो चलिए फिर दिखाती हूँ क्या क्या है। यह है खूब सारा धनिया जिसको मुझे साफ़ भी करना है, निकालना है। यहाँ देखिए टमाटर है, मटर लेके आई हूँ, और मूली, ये है मूली, इधर देखिए साग है, भतवे का साग है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी के सीजन में साग जो है बहुत आ रहे हैं मार्केट में, और साग खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि थोड़ा सा मेहनत लगता है सागवा को चुनने में साफ़ करने में, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत कर ही लेते हैं और खा ही लेते हैं। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सागवा खिलाना, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी बच्चों को तो सभी को पता ही है वो चश्मा चढ़ने का डर हो जाता है भाई। और देखिए कि ये सारी सब्जियां मैं लेकर के आई हूँ, एक बार और रिपीट करती हूँ, इधर मूली है, मटर है 1 kg, 1 kg फूल गोभी है, 1 kg गाजर है, 1/2 kg बीटरूट है, और धनिया है, टमाटर है, और भतवे का साग है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर यही सब सब्ज़ी मैं लेकर के आई हूँ, और आगे बढ़ाती हूँ फिर वीडियो को फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स, जो लोग न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा फ्रेंड्स, मेरे फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए। क्योंकि मैंने रात के खाने में यहाँ पे पूरी बना ली हूँ, बस सब्जी बनाना रह गया है, तो सब्जी में मैं कुछ भुजिया वगैरह बना लूँगी अभी। और फिलहाल मैं कर देती हूँ वीडियो का यहीं पे एंड, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।